पास गवर्नमेंट कॉलेज मामगढ़ बेसिक आईटी स्किल की अपने क्लास चल रही थी। इसमें अपने क्या था, स्टार्टिंग में कंप्यूटर से शुरू किया था। कंप्यूटर के अंदर दो चीजें मैंने बताई थी आपको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को तीन भागों में बांट सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस, एनाटॉमी संरचना के आधार पर। इनपुट डिवाइसेस अपना कंप्लीट हो गया था जिसमें कीबोर्ड माउस वगैरह आए थे। उसके बाद प्रोसेसिंग के अंदर प्रक्रिया में सीपीयू में होती है वो चीज़, उसको अपने कंप्लीट कर लिया था। उसमें मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के बारे में अपने लिया था। अब तीसरा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या चीज़ होती है? आउटपुट डिवाइसेस जैसे अपने डाटा की एंट्री करते हैं, कोई बटन दबाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सामने अपने को दिखाई देता है, वो आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस अपने दो भागों में बांटेंगे। एक नंबर अपने लिखेंगे हार्ड कॉपी डिवाइस, दूसरा अपने लिखेंगे सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। हार्ड कॉपी डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। हार्ड कॉपी डिवाइस का मतलब क्या है? हार्डवेयर का क्या मतलब बताया था, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जो छूकर महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का क्या मतलब था, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जो छूकर महसूस नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते थे। वही चीज जानते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब अगर कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हो, सामने लाइट चली जाती है तो आपको जो काम किया दिखाई नहीं देगा। आप चाहते हो जो काम मैंने किया है कंप्यूटर के अंदर, वो बाद में कंप्यूटर की लाइट जाने के बाद उसको पढ़ सकें, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस चीज को अपने प्रिंट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस का मतलब जब तक कंप्यूटर लाइट चल रही है, सामने कंप्यूटर चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही चीजें, वो एक तरह से अपने सॉफ्ट कॉपी के अंदर ले सकते हैं। अब हार्ड कॉपी डिवाइस को फिर आगे दो भागों में बांट लेंगे। एक नंबर है प्रिंटर और दो नंबर अपने कहेंगे प्लॉटर। अब प्रिंटर क्या चीज है, जब भी अपने कमांड देंगे प्रिंट करने के लिए तो प्रिंटर द्वारा वो पेज प्रिंट होकर बाहर आएगा, वो है प्रिंटर। और प्रिंटर भी फिर दो तरह के होंगे, कौन से, इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा अपने कह सकते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, वे प्रिंटर जिनके जब प्रिंटिंग करेंगे तब आवाज आएगी, जिन कंप्यूटर में प्रिंटिंग के समय आवाज आती है या प्रहार या चोट के द्वारा प्रिंटिंग करते हैं, वो इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। कौन से होते हैं वो प्रिंटर, एक नंबर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं, अगर आपने टाइपराइटर देखा है पुराने टाइम में, 10-15 साल पहले अगर टाइपराइटर आपने यूज किया है, ये मैंने कीबोर्ड भी आपको बताया था, उसमें क्या होता था, नीचे ABCD वाले बटन्स होते थे, सामने क्या है स्पोक्स लोहे की, एक तरह से कह सकते हैं लोहे की छड़ी की तरह होते थे, जिसके आगे अक्षर उभरे हुए होते थे और उसके आगे रिबन लगा होता था। जैसे ही अपने को बटन दबाते थे, लोहे की स्पोक्स जो है बाहर आकर प्रहार करती थी किसके ऊपर, रिबन के ऊपर। रिबन क्या था, इंक से डुबोया वो होता था, जैसे उस पर चोट होती थी रिबन से आगे एक पेपर लगा होता था, पेपर के ऊपर वो अक्षर प्रिंट हो जाते थे। अब यही टेक्निक इसमें अपने कह सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रिंटिंग करने के लिए प्रिंट हेड होता है जिसमें लोहे की छोटी छोटी पिन्स होती हैं, प्रिंट हेड में जैसे कमांड देंगे वो पिन बाहर आकर रिबन के ऊपर चोट करेंगे, किसके ऊपर, रिबन। आगे वो वैसे गोल्ड ड्रम होता है, आगे जाके प्रिंट हेड के द्वारा प्रिंटिंग होती रहती है, रिबन पेज के ऊपर वो अक्सर छपते रहते हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं इनकी स्पीड स्लो होती है, क्वालिटी बढ़िया नहीं होती है। लेकिन क्यों यूज होते हैं, क्योंकि इन पर क्वालिटी, जैसे बिल होते हैं, टेलीफोन बिल होते हैं, बिजली वाले बिल होते हैं, या अपने बैंक में जाते हैं ड्राफ्ट वगैरह अपने प्रिंट निकाल देते हैं कॉपी के ऊपर एंट्री करके देते हैं, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करते हैं, तो उसे पढ़ा जाता है, ऐसी बात नहीं है पढ़ा ना जाए, पढ़ा जाता है तो, लेकिन उसके ऊपर पेज का जो प्रिंट पर पेज प्रिंट है वो सस्ता पड़ता है, तकरीबन 10 पैसे पड़ता है, 15-20 रुपए का रिबन आता है, वो काफी दिन चल जाता है, जैसे कार्बन होता है ऊपर लिखते हैं कुछ कार्बन में छप जाता है, तो उसमें वही चीज इसमें कह सकते हैं अपने। तो इसमें क्वालिटी बढ़िया नहीं है, स्पीड स्लो है, लेकिन इसके पर पेज जो प्रिंट का खर्चा है वो सस्ता पड़ता है। उसके बाद दो नंबर आ जाता है लाइन प्रिंटर।
लाइन प्रिंटर क्या करते हैं, एक बार में एक एक लाइन प्रिंट कर देते हैं, एक एक पेज पूरा प्रिंट कर देते हैं, टेक्निक एक तरह से वही होती है। तीसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर गोलाई में होते हैं, साइडों में स्पोक्स होंगी, आगे अक्षर पिन होती है, उसके आगे वही सिस्टम जैसे इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है, तो इसको बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। उसके बाद आगे है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे ये चोट या प्रहार के द्वारा प्रिंटिंग नहीं करते। इसमें एक प्रिंटर होता है इंक जेट प्रिंटर। कौन सा होता है? इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर में क्या चीज होती है? इंक जेट प्रिंटर में वैसे ही प्रिंट हेड होगा जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता था, लेकिन इसमें प्रिंटिंग करने के लिए रिबन की जगह कार्ट्राइज यूज होती है। कार्ट्राइज मतलब एक इंक पॉट होती है जिसमें इंक भरी हुई होती है, इधर चिप लगी होती है, ये प्रिंट हेड में फिक्स हो जाएगी। इसी के अंदर आगे आपको नोजल लगी होती है, जैसे ही अपने प्रिंट कमांड देंगे इस इंक पॉट में से, इस कार्ट्रिज में से इंक फुहारे के रूप में नोजल में से बाहर निकलकर प्रिंटिंग करती है। जो कार्ट्रिज है इसमें इंक लिक्विड के रूप में होती है, उसमें रिबन था कार्बन की तरह, लेकिन इसमें लिक्विड के रूप में कार्ट्रिज होती है। दो तरह की कार्ट्रिज होंगी, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर। अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक प्रिंट निकालना है तो इस कार्ट्रिज को यूज करेंगे। अगर आपने देखा होगा बाजार में 5 मिनट में फोटो तैयार करके देते हैं, फोटो अपने प्रिंट निकाल के देते हैं, वो इसी इंक जेट प्रिंटर का यूज करते हैं। फोटो खींच लेते हैं कैमरे के द्वारा, डिजिटल कैमरे के द्वारा, उसको कंप्यूटर में अटैच करके उसी चीज को 5 मिनट में और इंक जेट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकाल के देते हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से क्वालिटी इनकी बढ़िया होती है, स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन पर पेज खर्चा इनका ज्यादा होता है, 3 से 4 रुपये पर पेज खर्चा बैठता है इनका। ब्लैक एंड व्हाइट है तो अगर कलर फोटो निकाल रहे हो तो ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन प्रिंटिंग की स्पीड सिंपल जो पेज निकालते हैं उसमें ज्यादा होती है। अगर फोटो अगर निकालो तो टाइम लगाएगा लगाएगा, लेकिन सिंपल जो पेज अपने ऑफिस में अगर काम करते हैं तो स्पीड उससे ज्यादा होगी, क्वालिटी भी बढ़िया होगी। ये 5 से लेकर 10 हजार तक मिल जाते हैं, ये 10 से 15 हजार तक प्रिंटर आ जाता है, ये 5 से 10 से शुरू होते हैं, ऊपर जितना मर्जी इसमें लगा सकते हो, क्योंकि आजकल तो 3 in 1 आ गया, फोटो कॉपी भी होने लगी, स्कैन भी होने लग गया और प्रिंटिंग भी होने लगी। उसके बाद 2 नंबर है लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर किसी से एक तरह से एडवांस टेक्निक है। इसमें क्या होगा, इंक डॉट मैट्रिक्स में रिबन यूज होता था, इंक जेट में कार्ट्रिज यूज होती है, अब लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए इंक के रूप में टोनर यूज होता है जिसमें पाउडर भरा हुआ होगा। जैसी कमांड दी जाती है ये टोनर में से पाउडर बाहर आकर फिक्स हो जाता है पेपर के ऊपर, उसको फिर गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ऑटोमेटिक वो फिक्स हो जाता है पेपर के ऊपर, तो इसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स से इसकी क्वालिटी बढ़िया होगी, स्पीड भी ज़्यादा होगी, उसी तरह इंकजेट प्रिंटर से भी स्पीड ज़्यादा होगी, क्वालिटी बढ़िया होगी, लेकिन खर्चा इसका कम होगा। जो इंकजेट प्रिंटर 3 से 4 रुपये पर पेज लगता है, लेजर प्रिंटर में क्योंकि टोनर है, इंक लिक्विड यूज नहीं हो रहा, इसलिए ये तकरीबन 50 से 60 पैसे पर पेज खर्चा बैठता है। आज के डेट में ऑफिस जितने भी हैं, ऑफिशियल या एजुकेशन सेक्टर के अंदर पर्सन जो अपने कंप्यूटर लेते हैं, प्रिंटर लेते हैं, उसमें लेजर प्रिंटर ही यूज होता है। तो यह था अपने हार्ड कॉपी डिवाइस में प्रिंटर। इसी तरह एक प्लॉटर होता है। प्लॉटर क्या होता है, जैसे हमने बैनर वगैरह बनाने हो, फ्लैक्स वगैरह बनाने हो, बड़ी पिक्चर बनानी हो तो प्लॉटर काम में आते हैं। उसके बाद है सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। प्रिंटर अपने प्रिंट करके रखना है हार्ड कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी डिवाइस यूज होगा। अब कंप्यूटर जब तक चल रहा है साउंड जो भी काम कर रहे हैं आउटपुट के रूप में, वो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस में दिखाई देता है। किसके ऊपर? मॉनिटर के ऊपर, या एलईडी या एलसीडी वगैरह अपने यूज करते हैं। ये जो मॉनिटर है अलग अलग साइज के होंगे, 12 इंच से शुरू हुए थे, 12, 14, 15, 17, और आज के डेट में एलईडी की तरह टीवी की तरह यूज होने लगे। जब स्क्रीन से चेक करते हैं क्लियरिटी अपने देखते हैं, नापनी हो तो। इसमें जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है इसमें यूज होती है CRT, यानी कि कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म अपने हमेशा अपने याद रखें, जैसे रोम की बताई थी, रैम की बताई थी, OMR OCR, ये कई बार ऑप्शनल कंप्यूटर में पूछ लेता है कहीं कंपटीशन के अंदर, ऑप्शनल कंप्यूटर जिसने लिया वो पढ़ सकता है, एलिमेंट्री कंप्यूटर अलग अलग कंपटीशन में ये चीज़ें काम आती है, तो अपने फुल फॉर्म याद रखनी है। एक टेक्निक होती है FPD, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये लैपटॉप के अंदर यूज होती है, लैपटॉप के अंदर
ये टेक्नोलॉजी लैपटॉप में यूज होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो ये आज का क्या टॉपिक था अपने आउटपुट डिवाइसेस को मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। इस चीज को आपने रफ एक बार कर लिया करो, बाद में फेयर के ऊपर पूरा एक पेज के अंदर आना चाहिए ये चीज। एक पेज मतलब रजिस्टर जो आपका उसका डेटा करना है, और ऊपर से लिखना शुरू करोगे कंप्यूटर से, एक तरफ चलेगा आपका हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बारे में इनपुट वाइज सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आगे इसका अगला टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर। अभी अपना एक हार्डवेयर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आगे वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू।